हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5-16 फॉर रियल ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इस इनइक्वालिटीज को आपको सॉल्व करना है। इनइक्वालिटीज आपके पास है 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7। ये इनइक्वालिटीज आपके पास है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो इनइक्वालिटीज हमारे पास गिवन है, देखिए यहां पर क्या आपके पास है, इसको आप सॉल्व करेंगे। 5x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 4x माइनस का 5x इज लेस देन 3 को आप राइट साइड पे ले जाएंगे, 7 माइनस 3, 4 में 5 को माइनस करेंगे माइनस एक्स इज लेस देन 7 में 3 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 4। अभी देखिए यहां पर माइनस लगा हुआ है, जब आप माइनस को हटाएंगे तो माइनस का क्या होगा, दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस 4 होगा और इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। तो लेस देन है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। अभी यहां पे देखिए x की जो वैल्यू हमारे पास कह रहा है, x इज ग्रेटर देन माइनस 4, तो माइनस 4 से ग्रेटर हमारे पास प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, x बिलोंग्स टू ये आएगा माइनस 4 कामा इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल माइनस 4 कामा इन्फिनिटी। अगर यहाँ इक्वल लगा होगा तो सेमी क्लोज आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस 4 कामा इन्फिनिटी। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। अभी देखिए इनइक्वालिटीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5x को हम लेफ्ट साइड पर आएंगे तो 3x माइनस 5x एंड ग्रेटर देन, इसको आप राइट साइड पर जाएंगे तो माइनस 1 प्लस 7। 3 में 5 को माइनस करेंगे माइनस 2x इज ग्रेटर देन माइनस 1 प्लस 7, वैल्यू आएगी 6। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज लेस देन माइनस 6 हो जाएगा। 2 को आप राइट साइड पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ये देखिए वैल्यू क्या रहा है, x इज लेस देन माइनस 3, तो माइनस 3 से लेस आपके पास क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका सोल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3। ठीक है, चलिए अभी 7 नंबर को देखेंगे। 7 नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कह रहा है कि 3x माइनस 1 3x माइनस 1 इज लेस देन 3x माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x माइनस का 6, इसको आप लेफ्ट साइड पे लाएंगे 3x माइनस 2x इज लेस देन आर इक्वल टू, इसको आप राइट साइड पे जाएंगे तो माइनस 6x प्लस 3। 3x में 2x को जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी x एंड लेस देन आर इक्वल टू माइनस 6 प्लस 3, वैल्यू आएगी माइनस का 3। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज आपके पास बन रही है, x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3, तो माइनस 3 से लेस की बात करेंगे तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और यहाँ पर ये इक्वल भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्लोज यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसका जो आपके पास सोल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू, ये आएगा उस सेमी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कामा 3, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर की अगर हम बात करें, एट नंबर हमारे पास है 3 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 और ये हमारे पास है 1 माइनस का x। चलिए इस वैल्यू को हम यहां से देखेंगे तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या रही है, इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 माइनस का 3x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 माइनस का 2x। इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो 3x प्लस का 2x हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 2, इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे 2 माइनस 6, और 3x में 2x को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 में 6 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी माइनस 4। जैसे आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 4। अभी कह रहा है 4 से लेस कह रहा है, तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज बनेगी आपका जो सोल्यूशन आएगा वो माइनस 4 से लेस हमारे पास माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी कामा 4 और 4 को यहाँ पर ले रहे हैं तो ये क्या होगा, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास कह रहा है यक्स प्लस यक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री और लेस देन 11। चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू हो रही है। यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपका आपके पास 6 आएगा, ये वैल्यू आएगी 6x और प्लस का 3x प्लस का 2x इज लेस देन 11। 3 प्लस 2 ये आएगा 5 और 6 5 प्लस 6 ये आएगा हमारे पास 11x अपॉन 6 इज लेस देन 11। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 11x इज लेस देन 66 देन x इज लेस देन ये हमारे पास हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स इज लेस देन 6 तो ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कामा 6, ये हमारे पास आपके पास वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 2 प्लस 1। चलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका आप x अपॉन 3 हो गया, इसका एलसीएम लीजिएगा तो वैल्यू आएगी x प्लस 2 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 2x, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3x प्लस 6, 3x को इधर ले आएंगे तो 2x में 3x माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 6 ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज लेस देन माइनस 6, तो इसका आपके पास जो सोल्यूशन आएगा माइनस 6 से लेस कह रहा है तो वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी कामा माइनस 6। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 10 को। अभी हम यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास कह रहा है कि 3x माइनस 2 डिवाइड बाय 5 लेस देन आर इक्वल टू, ये हमारे पास कह रहा है 5 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3। तो चलिए इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस 2 इज लेस देन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 2 माइनस एक्स, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 9x माइनस का 18 लेस देन आर इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 50 माइनस का 25x। चलिए इसको आप इधर राइट साइड पे ले आएंगे तो 9x प्लस का 25x, लेफ्ट साइड पे ले आए इसको आप राइट साइड पे भेजेंगे तो 50 प्लस 18 हो जाएगा 25 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 34x इज लेस देन आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 और 5 1 हो जाएगा 6। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 68 अपॉन 34, तो 68 अपॉन 34 ये हमारे पास किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो वैल्यू आएगी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2। ये देखिए 2 से लेस कह रहा है तो 2 से लेस माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी कामा 2 और ये देखिए 2 को आप यहाँ पर इंक्लूड है आपका तो ये क्या होगा सेमी ओपन इंटरवल। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कह रहा है 1 अपॉन 2 3x अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 अपॉन 3 और ये हमारे पास है x माइनस का 6, ये हमारे पास वैल्यू है। तो चलिए इसके हम वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आप एलसीएम ले सकते हैं या फिर आप इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स तो ये वैल्यू हो जाएगी 3। अभी आप इसमें 5 एलसीएम ले सकते हैं तो 3x प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये हो जाएगा 2x माइनस का 12 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और प्लस का 60 हो जाएगा हमारे पास और 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 10x माइनस का 60 हो जाएगा, इसको आप इधर ले आएंगे तो 9x माइनस का 10x हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये इधर जाएगा माइनस 60 और ये हो जाएगा माइनस 60, 9 में से 10 को माइनस करेंगे माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 60 माइनस 60 ये हो जाएगा हमारे पास 120। अभी जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आपके पास हट जाएंगे और इक्वालिटी चेंज हो जाएगी तो वैल्यू कह रहा है 120 से आपके पास क्या है 120 से आपके पास लेस कह रहा है तो वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी कामा 120 और इक्वल लगा हुआ है तो ये आपके पास आएगा सेमी ओपन इंटरवल। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 था हमारे पास। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ये हमारे पास कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3 और माइनस में 10 कह रहा है और फिर हमारे पास है लेस देन 6x माइनस का 2।
ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कह रही है, ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4x प्लस का 6 और माइनस 10 हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा 6x माइनस का 12, तो वैल्यू आएगी 4x, 6 में 10 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी माइनस 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 6x माइनस का 12, इसको आप लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो 4x माइनस का 6x इज लेस देन, इसको आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो माइनस 12 प्लस 4, 4 में से 6 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी माइनस 2x इज लेस देन 12, में 4 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 8। अभी आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी हमारे पास। अभी आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आएगी 4, तो कह रहा है x इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ से जो इनइक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 4, ∞, और ये आएगा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था मेरे पास। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कह रहा है 37 माइनस का 3x प्लस 5, फिर हमारे पास कह रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9x माइनस का 8, और ये हमारे पास है x माइनस का 3। तो ये देखिए आपके पास था क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास कह रहा है x बाई 4, और यहाँ पर कह रहा है लेस देन कह रहा है 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3, और माइनस में कह रहा है 7x माइनस का 3 और डिवाइड बाई हमारे पास कह रहा है 5। तो ये भी आपके पास होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 4, और माइनस में हमारे पास कह रहा है 2 माइनस x डिवाइड बाई 5। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में हैं, इनको आप कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। अब देखिए इसमें कह रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17-20 एंड शो दैट द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस इन ईच केस ऑफ नंबर लाइन। यानी आप जो सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, अब आपके पास जैसे ये सॉल्यूशन निकाला है, ये सॉल्यूशन निकाला है, तो आपको नंबर लाइन में भी यहाँ पर इसको इंडिकेट करना है। तो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको इसको नंबर लाइन में भी दिखाना है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कह रहा है, यहां पर देखिए कह रहा है 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1, तो इसको आप लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x इज लेस देन, इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे 1 प्लस 2, 3x में 2x को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास x इज लेस देन 3 हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर जब आप इसकी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू 3 से लेस कह रहा है हमारे पास, तो वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी कामा 3। तो ये इसका आपके पास इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन हो गया। अब आपसे कह रहा है कि ग्राफ द सोल्यूशन इन ईच ऑफ केस ऑफ द नंबर लाइन। तो चलिए नंबर लाइन पर इसको आप देखेंगे तो 3 से लेस हमारे पास दिखा रहा है, और 3 देखिए ओपन इंटरवल है, 3 को आप नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो ये देखिए हमारे पास 3 ओपन इंटरवल पर दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा माइनस 1, फिर हो जाएगा माइनस 2, ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये आपके पास नंबर लाइन हो जाएगी इसकी, इसको आप डार्क कर देंगे। ठीक है, डार्क इसको हमने दिखा दिया कि ये आपके पास कहाँ पर जा रहा है, ये लेस देन 3 दिखा रहा है। 3 से क्या वैल्यू दिखा रही है, लेस देन 3 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन आपके पास इंडिकेट कर रही है कि ये आप 3 को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप इसको अपने सर्कल को अगर 3 को लेंगे तो इसको हम डार्क कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास 3 से लेस देन वैल्यू को दिखा रहा है, तो ये नंबर लाइन आपके पास हो गई। नेक्स्ट हम इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x माइनस का 5। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू कह रही है, यहाँ पे देखिए इसको आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो 5x माइनस का 3x इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 5, और ये आपके पास लेफ्ट साइड में जाएगा प्लस 3। 5 में 3 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 2x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3, तो वैल्यू आएगी माइनस 2। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 1, तो इसको जब आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 से ग्रेटर कह रहा है, माइनस 1 से ग्रेटर प्लस इन्फिनिटी जाएगा, तो माइनस 1 कामा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो ये क्या आएगा, क्लोज हो जाएगा, ये आएगा सेमी क्लोज इंटरवल माइनस 1 कामा इन्फिनिटी। इसको नंबर लाइन में आप इंडिकेट करेंगे। देखिए नंबर लाइन माइनस 1 से ग्रेटर कह रहा है और माइनस 1 को इंक्लूड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो नंबर लाइन आपके पास बनेगी यहाँ पर कैसे बनेगी, ये जो आपके पास माइनस 1 आएगा वो डार्क होगा, तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस 2 था,
तो ये आपके पास नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये आप इसको डार्क करेंगे क्योंकि आपके पास क्या आ रहा है, माइनस वन से ग्रेटर वैल्यू को देख रहा है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये इसको इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, 3 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 और ये हमारे पास है x प्लस 4। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 3 माइनस का 3x और लेस देन ये आएगा 2x प्लस का 8। इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस का 3x माइनस 2x इज लेस देन 8 और ये जाएगा राइट साइड पे 8 माइनस 3 3x माइनस 2x वैल्यू आएगी माइनस 5x और 8 में से 3 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी 5 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज ग्रेटर देन वैल्यू आएगी माइनस 5 तो x इज ग्रेटर देन वैल्यू आएगी माइनस 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 है, इसका मतलब इसकी जो इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन आएगा आपके पास वो आएगा माइनस 1 कामा इन्फिनिटी और ये आएगा ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस 1 दे रखा है, तो चलिए माइनस 1 ले देते हैं यहाँ पर। तो माइनस 1 हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 0 1 2 3, ये हमारे पास वैल्यू आएगी और ये कहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इसको, ये आपके पास प्लस पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस 2 ये हमारे पास वैल्यू हो रही है, आप देख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आप इसको नंबर लाइन पर इंडिकेट करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कह रहा है x बाई टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस का 7x माइनस 3 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये हमारे पास है x बाई टू ग्रेटर आर इक्वल टू, इसका 3 और 5 का एलसीएम लेंगे वैल्यू आएगी 15, यहाँ हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 25x माइनस का 10 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 21x और माइनस का 9। तो ये आपके पास माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी प्लस 9। चलिए ये वैल्यू आएगी हमारे पास x बाई टू ग्रेटर आर इक्वल टू, 25 में 21 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4x और 10 में 9 को माइनस करेंगे वैल्यू आएगी माइनस का 1 और ये हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 8x माइनस का 2। इसको आप लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो 15 माइनस का 8x ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 2 देन कह रहा है, तो ग्रेटर देन कह रहा है तो क्या होगा, माइनस 2 बाई 7 का इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपके पास हो जाएगी, इसकी जो नंबर लाइन बनेगी अब भाई वो ग्रेटर पे बन रही है। ठीक है, तो अब इसकी नंबर लाइन ग्रेटर पे बन रही है तो वैल्यू आएगी 0, फिर आएगा आपके पास 1 और फिर हमारे पास आएगा 2, फिर आएगा 3 और ये देखिए माइनस 1 हो गया, ये हमारे पास माइनस 2 हो गया, तो ये आपके पास नंबर लाइन बन रही है। तो माइनस 2 बाई 7 से ग्रेटर बन रहा है, तो माइनस 2 बाई 7 का मतलब ये जो आएगा माइनस 1 से आपके पास माइनस पॉइंट का समथिंग आएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसको हमने इस तरीके से इंडिकेट कर दिया है, तो ये इसका नंबर लाइन हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको, तो ये इसकी नंबर लाइन होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको इनइक्वालिटीज़ फाइंड करनी होगी और इनइक्वालिटीज़ फाइंड करके फिर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास क्या गिवन है, देखिए वीडियो आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 21 नंबर से इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।